जय हिंद दोस्तों। दो बढ़िया क्वालिटी के मिड कैप स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। एक है गोदरेज प्रॉपर्टीज, जिसने कल के सेशन में बहुत अच्छा उछाल दिखाया था, और दूसरा स्टॉक जिसके बारे में बात करेंगे वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो आज के सेशन में काफ़ी ज़्यादा गर्म है एंड बहुत अच्छे लेवल्स के ऊपर काम कर रहा है। उसके पहले मैं 1 मिनट लूँगा आपका, और वो है ये, अगर आपने अभी भी शेयर बाज़ार में निवेश नहीं किया है तो आपसे कहूँगा जल्द से जल्द निवेश कर दीजिएगा, बिकॉज़ शेयर बाज़ार ही एक ऐसा ज़रिया है जो दूसरे एसेट एसेट क्लास क्लास के मुकाबले, एसेट क्लास का मतलब होता है कुछ लोग जो है प्रॉपर्टीज़ में निवेश करते हैं, कुछ लोग गोल्ड में निवेश करते हैं, कुछ लोग तो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में भी निवेश करते हैं, बट सबसे ज़्यादा रिटर्न्स अगर कहीं पर मिलता है ना तो वो शेयर बाज़ार ही है। जी हाँ, शेयर बाज़ार ही है। साथ ही इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई जो है वो मेरे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में भी नहीं है, किसी के भी हाथ में नहीं है, बट उसको अगर आपको बीट करना है, महंगाई को मात देनी है, तो शेयर बाज़ार ही उसका असली ज़रिया है। ऑल्सो मैं और एक चीज़ कहना चाहूँगा, बहुत सारे लोग आपको शेयर बाज़ार में ऐसे भी मिल जाएंगे आपके आसपास के लोग कि ये एक सट्टा होता है, जुआ होता है, बट एक्चुअली वो ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने बिना रिसर्च या बिना स्टडी किए मार्केट में काम किया होता है एंड उन्होंने अपनी जो मेहनत की कमाई होती है उसे गवाया होता है। आप खुद मुझे कहिए, अगर आपके बच्चे की या फिर आपकी आने वाले दिनों में एग्ज़ाम है और वो बिना पढ़े अगर आप स्टडी मतलब एग्ज़ाम अटेम्प्ट करते हो तो सीधी सी बात है फेल ही होना है। जैसे आप अगर अगर आप फॉर एग्जांपल जंग के लिए उतर रहे हो और आपके हाथ में हथियार ही नहीं है तो सीधी सी बात है आप हारने वाले हो। उसी तरह से स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, स्टडी करके समझ के मार्केट में उतरेंगे तो कभी आपका नुकसान नहीं होता है। एंड अगर आप किसी से टिप्स लेते हैं मतलब सिर्फ सुन के किसी का काम करते हैं वो भी गलत है, आपको स्टडी करना ज़रूरी है, रिसर्च करोगे तो ही आप मार्केट में सफल होगे। अब हम शुरू करेंगे गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के ऊपर स्टडी करना। मिड कैप का स्टॉक है, 114 नंबर पर रैंक करता है, मार्केट कैप 40,128 करोड़, स्टॉक की पी पे कोई जानकारी नहीं है, 52 वीक लो 820 रुपये और 52 वीक हाई 1,575। क्वार्टरली नंबर्स हमारे सामने हैं और यहाँ पर जो हमें चेक करना है, ज़रा भी कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे नंबर्स को देख के, और हमें सबसे पहले सारे नंबर करोड़्स में हैं। यहाँ पे चेक हमें करना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट और आखिर में ईपीएस। और यहाँ पर हम पिछले 4 क्वार्टर को चेक करेंगे यानी कि जून 2020 से मार्च 2021 के नंबर्स को। तो हमें सबसे पहले चेक करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जून 2020 में क्या पोस्ट किया था, -84, और सिमिलर नंबर सितंबर में -84, फिर नंबर थोड़ा इंप्रूव हुआ -59, एंड यहाँ पर ऑलमोस्ट ये नंबर 4 टाइम्स हो गया नेगेटिव, मतलब गिरावट और बड़ी, सबसे खराब नंबर 4 क्वार्टर का पोस्ट किया -222। आगे बढ़ेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जून 2020 में -15, सितंबर में 23 का नंबर उछाल हुई ऊपर की तरफ, फिर से छोटी उछाल 31, एंड ये नंबर ऑलमोस्ट 4 गुना बढ़ के नेगेटिव हो गया -125। नेक्स्ट नेट प्रॉफिट -19 जून में, उछाल आया +7 का नंबर सितंबर में, नंबर हो गया डबल 14 दिसंबर में, एंड नीचे की तरफ भारी गिरावट 190 करोड़ के आसपास। लास्ट अर्निंग्स पर शेयर -0.76, फिर 0.28 पॉजिटिव नंबर, 0.57 दिसंबर में, एंड नेगेटिव नंबर तकरीबन 7 की ईपीएस मार्च 2021 में। सो नंबर्स में क्लियरली क्या देखने मिल रहा है, पिछले 4 क्वार्टर का सबसे खराब नंबर अगर कंपनी ने कभी पोस्ट किया है तो वो मार्च 2021 के क्वार्टर में पोस्ट किया है। आगे बढ़ेंगे बैलेंस शीट, कर्ज कितना है कंपनी के ऊपर, कर्ज है 4,500 करोड़ का, पिछले साल 3,700 करोड़ था, अभी बढ़ के 4,500 हो गया है। सो ये नेगेटिव बात है, नोट करनी है। वेरस कंपनी के पास जो एसेट्स थे, जी हाँ, पिछले साल 10,000 करोड़ थे, अभी वो 16,000 करोड़ हो गए हैं, ऑलमोस्ट बड़ी उछाल यहाँ पे देखने मिल रही है 60% की। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए, प्रमोटर्स की होल्डिंग क्या है, यहाँ पे क्या देखने मिल रही है, प्रमोटर की होल्डिंग हम चेक कर लेते हैं, दैट इज़ अराउंड 58%। जी हाँ, मैं यहाँ पे फिर से क्लिक कर देता हूँ, देख लीजिए 58.44%, विदेशी संस्था है 28%, घरेलू संस्था है 5.22% और पब्लिक के पास 8.45%। यहाँ पे और एक चीज़ बताना चाहूँगा, दिसंबर 2020 में देखिए 64% की होल्डिंग थी, अभी कम हो गई है 6%, 58% यहाँ पे देखने मिल रही है प्रमोटर की होल्डिंग, बट वो भी आधे से ज़्यादा है देखने मिल रही है। सो अगर हम 20 सेकंड के एक स्मॉल समरी लेंगे, मतलब नंबर्स कैसे कंपनी के गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के, तो पिछले 4 क्वार्टर के सबसे वीकेस्ट नंबर कंपनी ने पोस्ट किए मार्च 2021 में। कंपनी के ऊपर कर्ज पिछले साल था अराउंड 3,700 करोड़ के आसपास, अभी 4,500 करोड़ हो गया, बट पॉजिटिव बात क्या है, पिछले साल 10,000 करोड़ के एसेट्स थे और वो भी 16,000 करोड़ हो गया, मतलब 60% से ज़्यादा की ग्रोथ एक साल में देखने मिल रही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी प्रमोटर्स की तगड़ी होल्डिंग है 58%, विदेशी संस्था है 28%, घरेलू संस्था है 5% और पब्लिक के पास सिर्फ 8.5%। बट यहाँ पर जो नेगेटिव पॉइंट मेरे दिमाग में बैठी है वो है,
64.44% से 58 हो गई। सो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कम की है इस स्टॉक पे। अब जाएंगे चार्ट पैटर्न पे, देखने क्या मिल रहा है कि पिछले सेशन में थोड़ी सी मतलब उछाल देखने मिल रहा था, और वो इसलिए क्योंकि डिमांड जो है बढ़ने के संकेत ऐसे मिल रहे थे, कुछ खबर ऐसी चल रही थी। ओके, और ये पिछली बार का एनालिसिस है, हमने स्टडी की थी एंड 1335 का जो टारगेट था वो भी स्टॉक ने हिट किया था। अब स्टडी को हम कंटिन्यू करेंगे और क्या देखने मिल रहा है, देखने मिल रहा है ये। आपसे भी एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, यहाँ पे आइए, सभी चीज़ों को ड्रॉ कीजिए, समझना शुरू कीजिए, आसानी होगी आपको मार्केट में काम करने में। देखिए स्टॉक एक ही चैनल में धीरे धीरे करके ऊपर गया एंड नीचे की रेंज में आने के बाद स्टॉक जो है पर्टिकुलर रेंज में काम करने की कोशिश कर रहा था, स्टॉक जो है कंसोलिडेट कर रहा था। फिर यहाँ पे क्या किया, स्टॉक ने एक हाई लगा दिया एंड हाई लगाने के बाद देखिए नीचे की तरफ आ रहा था, सॉर्ट ऑफ स्टॉक जो है डिसेंडिंग ट्रायंगल की जो पैटर्न होती है ना उसमें काम कर रहा था। क्लियर, डिसेंडिंग ट्रायंगल के पैटर्न में। अब स्टॉक ने किया क्या, यहाँ पे देखिए गिरावट होना शुरू हुई एंड गिरावट होते होते स्टॉक जो है यहाँ पे आने के बाद फिर से बाउंस बैक ले लिया। सो ये जो रेंज थी, मतलब यहाँ पर जब गिरना शुरू हुआ उस रेंज से यहाँ तक की स्टॉक की अब तक की सबसे हाईएस्ट क्लोजिंग जो है वो है ये, एंड दैट इज़ 1443.6 जो कल के सेशन यानी कि 5 जुलाई को स्टॉक ने दी थी। एंड उसको हाईलाइट करने के लिए मैं सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, दैट इज़ 1443.6। लाइन थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, ओके, एंड उसी को इग्नोर करने के लिए हम जो है लेवल भी लिख देंगे, एग्जैक्ट लेवल, ताकि किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो। 1443.6 की क्लोजिंग, इसके ऊपर स्टॉक का जो है बंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड इसके ऊपर बंद होगा तभी स्टॉक में बात बनेगी। एंड इसके ऊपर जब स्टॉक बंद होगा तब कौन से लेवल के आसपास स्टॉक चले जाएगा, किस रेंज में स्टॉक चले जा सकता है, ये दो स्टेप भी हम कह सकते हैं या फिर रेंज कह सकते हैं, दो टारगेट कह सकते हैं। स्टॉक जा सकता है 1510 से लेकर 1580, इस रेंज में आराम से जा सकता है स्टॉक। शर्त यह है तेज़ी बननी चाहिए, बट नंबर जो है काफ़ी बहुत सारी चीज़ें नेगेटिव हैं, बट क्योंकि सेंटिमेंट मतलब खबर ऐसी चली थी कि डिमांड बढ़ सकती है और बहुत सारी चीज़ें थी, तो इसलिए स्टॉक ने जो है ब्रेकआउट दे दिया है एंड अभी एग्जैक्टली यहाँ से गिरने के बाद मार्च महीने की हाईएस्ट क्लोजिंग के आसपास काम कर रहा है एंड एग्जैक्टली स्टॉक जो है उसके ऊपर ही काम कर रहा है अभी। ये जो क्लोजिंग का लेवल है ना 1443.6 एग्जैक्टली उसके ऊपर ही काम कर रहा है। सो ब्रेकआउट जो है सक्सेसफुली हो चुका है। अब स्टॉप लॉस की बात करते हैं, जो लोग एक दो तीन दिन के लिए पोजिशन बनाते हैं इसके नीचे निकल जाइए तो प्लीज़ पोजिशन में मत रहिएगा, पोजिशन के साथ इमोशनल नहीं होना है, गिरावट और बढ़ सकती है। जिनको स्टॉक में निवेश करना है, लंबे अवधि का नज़रिया है, कौन से लेवल के आसपास निवेश कर सकते हैं, सबसे पहला लेवल है 1350 एंड नेक्स्ट 1270। इस लेवल के आसपास स्टॉक मिलता है काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाएगा, काफ़ी सस्ता भी हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग है तो थोड़ी और मतलब एडिशन कर सकते हैं या फिर फ्रेश बाइंग करनी है। जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है और सिर्फ लंबी अवधि के लिए प्लान करते हैं वो इस रेंज में या फिर इन लेवल के आसपास बाइंग मतलब फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। अभी दूसरे स्टॉक के ऊपर स्टडी करेंगे, उसके पहले एक अपडेट आपके लिए, और अपडेट है ये, अगर आप डीमैट कम ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने का प्लान कर रहे हैं तो आप अपना अकाउंट fivepaisa.com के साथ ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर जो ब्रोकरेज आपको पे करनी है वो है 20 rupees पर ऑर्डर, वो ऑर्डर किसी भी वैल्यू का हो सकता है, किसी भी सेगमेंट का हो सकता है, ओके। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के थ्रू अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको 250 rupees की क्रेडिट मिलेगी, साथ ही पहले महीने के लिए जो ब्रोकरेज आपको चुकानी है वो है 0। अभी हम दूसरे मिड कैप स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं और वो है मिड कैप बैंक AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, 142 नंबर पर रैंक करता है एंड आज के सेशन में गजब तेज़ी दिखा रहा है स्टॉक। मार्केट कैप 32,230 करोड़, स्टॉक की पी 27, 52 वीक लो 570 और 52 वीक हाई 1356। क्वार्टरली नंबर्स यहाँ पर है एंड यहाँ पर हमें क्या चेक करना है ऑलरेडी पता है। सो सबसे पहले चेक करेंगे फाइनेंसिंग प्रॉफिट, जून 2020 में था 39, फिर ऑलमोस्ट 3 times नंबर बढ़ गया, 123 हो गया सितंबर में, फिर भारी गिरावट दिसंबर में -74 एंड थोड़ी और गिरावट -81 मार्च 2021 में। सो चारों क्वार्टर का सबसे लोएस्ट नंबर यहाँ पे। नेक्स्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स क्या देखने मिल रहा है, 264 जून में बढ़ा था, 409 सितंबर में, 589 और बढ़त दिसंबर में एंड गिरावट 196 करोड़ मार्च 2021 में। नेक्स्ट नेट प्रॉफिट 201 करोड़ जून में, 322 करोड़ सितंबर में, 480 करोड़ दिसंबर में, बढ़त का ट्रेंड एंड फिर गिरावट 169 करोड़ मार्च 2021 में। लास्ट EPS यानी कि अर्निंग्स पर शेयर क्या देखने मिल रहा है, 6.55 की EPS जून में, 10.5 की EPS सितंबर में, 15.62 की EPS दिसंबर में एंड EPS ऑलमोस्ट 1/3 हो गया 5.41 की EPS। सो मैं क्लियरली क्या देखने मिल रहा है, मार्च 2021 के जो नंबर्स है पिछले चारों क्वार्टर के लोएस्ट है एंड वीकेस्ट है एंड कमज़ोर नंबर है।
अभी हम जाएंगे बैलेंस शीट में, यहाँ पे हमें क्या देखना है, बोरिंग्स। मार्च 2021 का तो डाटा नहीं है बट 2020 का है, एंड बोरिंग्स में यानी कि कर्ज में क्या देखने मिल रहा है, 36,500 करोड़ के बोरिंग्स यहाँ पे देखने मिल रहा है। मार्केट कैप कितना है, 32,000 करोड़ का। सो कैसा है ना, हर फाइनेंशियल लेंडिंग फर्म जो होती है उसके ऊपर बोरिंग ज़्यादा हमें देखने मिलती है, वो इसलिए क्योंकि वो कस्टमर से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, जैसे सेविंग्स बैंक अकाउंट बोल दीजिए, FDs कह, फिक्स डिपॉजिट्स कह दीजिए, या दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं उसके थ्रू डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, एंड वही पैसे जिन्हें लोन चाहिए होती है लोन के माध्यम से वो पैसे आगे उनको प्रोसेस करते हैं, एंड इंटरेस्ट से कमाई होती है, एंड कुछ इंटरेस्ट का हिस्सा कस्टमर्स जिन्होंने डिपॉजिट्स की होती है उन्हें मिलता है। सो इसी तरह से फाइनेंशियल फर्म्स ऑपरेट करते हैं। साथ ही एसेट्स कितने हैं, जितना बोरिंग से उससे ज़्यादा के एसेट, दैट इज़ अराउंड 42,143 करोड़ के एसेट्स है, बढ़िया बात। अब प्रमोटर की शेयर होल्डिंग देख लीजिए, दैट इज़ 28.47, विदेशी संस्था है 32%, घरेलू संस्था है 20.54%, एंड पब्लिक के पास 18.94% की होल्डिंग। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मजबूत देखने मिल रही है, मजबूत इन द सेंस पॉजिटिव तो देखने मिल रही है, कोई भी नेगेटिविटी यहाँ पे है नहीं। बट हाँ, एक चीज़ कहना चाहूँगा, जितने भी हमने बैंक्स के बारे में स्टडी की है उसमें, मतलब प्राइवेट बैंक्स की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें हमें देखने क्या मिला, FIIs का जो हिस्सा है ना सबसे ज़्यादा उन्हीं के पास है। पहले इससे पहले भी जो वीडियो बनाई है एक्सिस बैंक इंडसइंड बैंक के बारे में, उसमें भी आपने देखा रहेगा कि कैसे FIIs की होल्डिंग वहाँ पे कितनी ज़्यादा है। ओके, सो 20 सेकंड्स का अगर समरी लेंगे यहाँ पे तो क्या देखने मिल रहा है, पिछले चारों क्वार्टर का सबसे वीकेस्ट नंबर मार्च 2021 में पोस्ट किया है। बोरिंग्स भी है, बोरिंग्स क्यों है वो भी आपको पता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर बोरिंग्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्लस तकरीबन 42,000 करोड़ के एसेट्स है बैंक के पास, एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी पॉजिटिव देखने मिल रही है, एंड FIIs का हिस्सा सबसे ज़्यादा, एंड पब्लिक के पास तकरीबन 19% की होल्डिंग, दैट इज़ 19%। अभी हम चार्ट पैटर्न पे जाएंगे, पिछली बार भी हमने स्टडी की थी अराउंड 998 1000 के आसपास सफर, मतलब क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस फेस कर रहा था स्टॉक, एंड 1045 1090 इसके पास जा सकता है। स्टॉक ने एग्जैक्टली वहाँ पे गया एंड वहाँ पर काम किया। नाउ यहाँ पर पिछले दिनों में स्टॉक ने किस तरह से काम करना शुरू किया उसको देख लेते हैं। आप देख लीजिए, इसी चैनल में ऊपर जाते जाते ब्रेकआउट कर दिया 998 का, एंड स्टॉक जो है यहाँ पे देखिए एक रेंज में आ गया, यहाँ पे एक पर्टिकुलर रेंज में यहाँ पे आ गया, देखिए इस तरह से। ओके, इस रेंज में आ गया, एंड रेंज का जो है ब्रेकआउट आज के सेशन में आपको क्लियरली देखने मिल रहा है। ओके, ना ऊपर की तरफ स्टॉक जाना शुरू कर दिया है। सो ऊपर की तरफ जाना है तो स्टॉक कहाँ रुक सकता है, या फिर कहाँ पर, मतलब यू नो कौन से लेवल के ऊपर क्लोजिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है ये, थोड़ा पीछे जाएंगे जिस लेवल के आसपास स्टॉक काम कर रहा है उस रेंज का हाईएस्ट क्लोजिंग है ये लेवल, दैट इज़ 28 अप्रैल का, और वो था 1148.8। मैं यहाँ पे लैंड ड्रॉ कर लेता हूँ इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, 1148.8। ओके, लाइन लाइक ऑलवेज जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती है, बट जो लेवल है मैं आपको क्लैरिटी मिलने के लिए यहाँ पे क्लियरली लिख देता हूँ 1148.8 की क्लोजिंग। इसके ऊपर स्टॉक का बंद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड इसके ऊपर स्टॉक बंद होगा तब जो है नेक्स्ट राउंड की तरफ स्टॉक निकलेगा, या फिर कह सकते हैं नेक्स्ट, मतलब कौन से दो लेवल से वहाँ पे आराम कर सकता है स्टॉक। सबसे पहला लेवल है 1205 रुपये, एंड फिर 1260, इस लेवल के आसपास आपको रेस्ट करता हुआ या फिर इस रेंज के अंदर जाता हुआ देख सकता है स्टॉक। नेक्स्ट, जो लोग एक दो दिन चार दिन के लिए पोजिशन बनाते हैं उनके लिए स्टॉप लॉस का इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा है, उसके नीचे स्टॉक निकल जाए तो नेगेटिविटी बढ़ सकती है, वो है ये 1090। पोजीशन के साथ इमोशनल नहीं होना है, एंड पोजीशन को छोड़ दीजिएगा, जिद नहीं करनी है। नेक्स्ट लास्ट चीज़ वो है इन्वेस्टमेंट, अगर किसी को इन्वेस्टमेंट करना है तो कौन से लेवल के आसपास स्टॉक मिलता है तो अट्रैक्टिव हो जाएगा, वो है ये 1045, जो पिछली बार हमने टारगेट बताया था, गिरावट होती है इन लेवल के आसपास मिलता है तब जो है यहाँ पर बात बन सकती है, स्टॉक काफ़ी मज़ेदार लेवल के आसपास आ जाएगा, रेंज के पास सस्ता हो जाएगा बहुत। सो ऑलरेडी होल्डिंग है तो ऐड कर सकते हैं इन लेवल के आसपास, या फिर फ्रेश बाइंग करनी है तो इन लेवल के आसपास आप ऐड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने दो बढ़िया मिड कैप स्टॉक्स के बारे में बात की, गोदरेज प्रॉपर्टीज एंड AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, दोनों ही बिल्कुल ही सिंपल सरल सिंप्लीफाइड मैनर में हमने एनालिसिस किया एकदम ही आसान भाषा में, एंड टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है उस पर क्लिक करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, जय हिंद, वंदे मातरम।